जी सर, जी रोज लिमिटेड सर, वो टेबल बनाना है, टेबल धर्मशाला में है। हाँ ठीक है, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात है। अर्न कमीशन सर जी, टैक्स में भी अर्न बेसिस लिखा हुआ है, तो अर्न कमीशन को हम अर्न बेसिस पे इनकम बनाते हैं या रिसीट बेसिस पे, और टैक्स वाले भी अर्न बेसिस पे बना रहे हैं, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही नहीं है, उसका क्या बना हुआ जो नई चीज के बीच में आपके फंड नहीं, आप उसका फैक्ट सो आए ना, नहीं नहीं टैक्स में फैक्ट तो मैंने आपको बताया था ना, टैक्स ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि अलाउड व्हेन पेड, तो हमने क्या क्या किया होगा निकाल सॉल्व किया, एक मिनट रखें सर सामने, हमने सबसे पहले एसेट डेबिट फॉर बीइंग क्रेडिट किया, फिर हमने अनवाइंड किया, तो प्रीवियन में इंक्रीज आ गया बैलेंस शीट डेट पे, हमारी डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगी, तो उसके अगेंस्ट टैक्स बेसिस जीरो होगी, उसके अगेंस्ट प्रवीण के अगेंस्ट वैसे जीरो होगी, लेकिन वो जो एसेट है उसमें भी प्रवीण का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, प्रवीण फॉर डिसमेंटलिंग के अगेंस्ट टैक्स बेस जीरो है, क्या प्रवीण को मानते नहीं, चले इस तरह कह लेते हैं, ये एक्सपेंस वो मानते हैं लेकिन पेमेंट बेसिस, वैसे मेरे ख्याल क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर ना भी लिखा तो ये प्रोविजंस जितनी भी हैं ये पेमेंट बेसिस पे टैक्स में लाओगे, ठीक है, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, हमारी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी प्रोविजन की और एसेट में इसका इफेक्ट आ रहा होगा, हमारी अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी प्रोविजन, लेकिन अनवाइंड भी होगी, बाकी टैक्स बेस टैक्स के एंगल से अगर करंट टैक्स की वर्किंग करनी हो, करंट टैक्स की अगर वर्किंग करनी हो तो हम हमारी जो भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी वो हम ऐड करेंगे, एसेट्स रिलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी होगी वो लेस करेंगे, जो अनवाइंड की होगी डिस्काउंट हमने वो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा वो हम ऐड बैक करेंगे, पेमेंट अगर नहीं हुई हमारे साल में तो लेस कुछ नहीं करेंगे। प्रवीण क्रेडिट का मतलब पेबल ही ना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पेबल है ना, तो अलहदा पेबल नहीं है, प्रवीण के अंदर ही इजाफा नहीं हो रहा, वो कल वाले लेजर निकालने पर वो 3 लाख से 3,30,000 और वो क्या हो रहा है, वो पेबल ही हो रहा है, तो रादर देन सेपरेट लेजर उसी के अंदर पेबल रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, और इसके अलावा ये करते रहना आपने कंडी, बहुत से सवाल हो जाने इसी तरह आराम आराम से एक एक करके लग रही है, टाइम निकालते रहे साथ साथ, सवाल ही नहीं मिले हजरत, वॉल्यूम वन में सवाल था, शुक्र वॉल्यूम फाइव नहीं देखा यार, खुदा का नाम यार की होगी, मैंने 500 रुपये वॉल्यूम वन आपके सामने मंगवाया, पानी में कहा था एक लियो पढ़ने को कहा था, ये ज्यादा जरूरी है सर, जो अंग्रेजी लिखनी पड़ जाती है समटाइम्स, अमेरिका तो कतर रहते हैं लेकिन ये जो इंग्लिश लिखनी पड़ जाती है ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा बस कोई नई चीज नहीं है उसमें, कल वही बातें हुई है लेकिन अंग्रेजी में हुई है, तो फिलहाल ये इंग्लिश भी पढ़ते रहे इसको, फिर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है।
इन दिनों में हमारे पास जरा कुछ पिछला काम करने का टाइम है, अगर आप निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम 2 का एक पेज लिखते हैं। पेज नंबर नहीं सर, पर है भाई ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा जरा नोट कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ वैसे मेरा ख्याल वॉल्यूम 2 अदरवाइज शेयर हुआ है, थोड़ा सा डिस्पैच भी हो गया, 2-3 दिन हो गया। कुछ बुक्स पहुंची आपको? बुक्स पहुंच रही है ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। चलो बस मेरा ख्याल ट्रांसलेट होनी चाहिए, तो मीन वाले एक आध दिन जरा और जरा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सर पेज नंबर 462 होगा, पेज नंबर 462। इसमें IS-8 है, तो थोड़ा थोड़ा सा पिछला भी अगर आई कैप थोड़ा सा आगे से पूछता रहता है। सर IS-8 आ जाएगा सर, इसमें IS-8 है, चेंजेस इन इक्विटी है, डिविडेंड्स वगैरह, वही राइट शेयर, इस तरह की चीजें। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, ये शायद आपने FA-1 में भी किया होगा, लेकिन उस जमाने में ये लीज इसमें नहीं थी। वैसे तो मेरा ख्याल उसमें सारे थे, इसमें सिर्फ लीज मैंने निकाली थी उस दौरान, तो वरना ये IS-8 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें लीज बस है। लीज से, लीज से रोज में भी कल आई है, इतनी तो लीज की एंट्री 2-4 तो याद है ना, इतनी की जरूरत पड़नी। तो इसमें 2 एरर है, एक IS-40 वाला एरर है, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, तो जितनी की जरूरत पड़ेगी ना साथ साथ फाइंडली। जैसे IS-21 में भी आया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका मेन मेन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज रखना है, तो ये भी रखें मेरे ख्याल एक आध दिन लें इसे, फिर इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसे रखें होमवर्क सर। 462 इसमें बहरहाल अगर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ लीज वाली गलती नहीं है, बाकी सारा वही सवाल है जो FA-1 में भी किया था आपने। ठीक है सर, देन बाकी हमने जो कल एक सिलसिला शुरू किया डिसमेंटलिंग वाला, क्या उसके एस्टीमेट्स भी बदल जाते हैं? तो जरा उसी को काइंडली फाइनल करें, जरा पेज नंबर ढूंढना। सर पेज नंबर तो आपको पता है सर, बताना मेरा काम है सर। नहीं मैं जरा असल में चाह रहा हूँ कि जरा ये डिसमेंटलिंग की जो बहस शुरू हुई है ये जरा किसी हद तक थोड़ी सी हो रही, बाकी फिर IS-37 में तो और भी चीजें, तो पेज नंबर इसका आप ढूंढना जरा। पेज नंबर 133 वॉल्यूम बता दें। वॉल्यूम 2 ही हो रहा सर, आज जब मैंने क्वेश्चन दिया कांडी वो भी वॉल्यूम 2 में, इसके ऊपर लिखा हुआ एक इफ्रिक, इफ्रिक क्या है, 1 क्या है, क्यू भी तो क्वेश्चन बैंक है, तो इफ्रिक की जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं बताता हूँ इफ्रिक क्या है, वो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था लेकिन दोबारा बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो कल बात हुई वही फाइनल होनी है। तो है डिसमेंटलिंग, डबल एंट्री बताया अगर प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, फिर उसे रीमेजर होना है, एस्टिमेट्स बदल सकते हैं, तो वही सारी चीजें आनी है जरा। लेकिन कल बड़े मासूम मासूम से सवाल थे, थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। वायलेट पावर लिमिटेड इज रनिंग अ कोल बेस्ड प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं, The company has built its plant in an area which contains large reserves of coal. The company has signed a 20 years agreement for the sale of power to the government. The period of the agreement covers a significant portion of the useful life of the plant. The company is liable to restore the site by dismantling and removing the plant and associated facilities on the expiry of the
एग्रीमेंट ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक कहाँ पहुंचे? 80%। अच्छा प्रिंटिंग मशीन है 80%। नहीं मतलब अभी लेटेस्ट कब पूछा आप लोगों ने? नहीं आप लोगों ने कोई मेल वगैरह नहीं की थी? यानी कि अभी भी कोई चले फिर ठीक है अल्लाह मालिक। The company is liable to restore the site by dismantling and removing the plant and associated facilities on expiry of the agreement. Following information is available. The plant commenced its production on 1st July 15. It is a policy to measure of the company to measure the related assets using the IAS 16. थोड़ा ज़हन में रखने दीजिए। कौन-कौन से मॉडल हो सकते हैं? फिलहाल अभी जरा कल भी शायद कॉस्ट मॉडल ही आर भी लेकिन फिर रिवेल्यूशन मॉडल भी आ रहा है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज 6570 मिलियन इंक्लूडिंग इरेक्शन इंस्टॉलेशन एंड बोरिंग कॉस्ट बट डज नॉट इंक्लूड एनी डिकमिशनिंग। कैसे कहते हैं सिंपली डिसमेंटलिंग। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 320 मिलियन। Initial estimate of the amount required for dismantling a plant at the time of installation of plant was 780 million. However, such estimate was reviewed as of June 30, 2016 and was revised to rupees 1021 million. दोबारा ये सेंटेंस में जो खतरा था वही भाई ने बोल दिया। लिखा हुआ इनिशियल एस्टिमेट। इनिशियल एस्टीमेट है या शुरू का अंदाजा है? शुरू का अंदाजा है कि खर्चा होगा 750 780। आज होगा शुरू में ये अंदाजा है कि कब ये खर्चा होगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं शुरू का अंदाजा। अंदाजा शुरू में लगाना। इंकर कब होना है खर्चा? द फॉलोइंग द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रियल risk free interest rate prevailing in the market is simply discount rate liye word likha 8% when initial estimates of decommissioning costs were made. However, at the end of the year such rate has dropped to do estimates change ho rahe rate bhi badal raha hai aur amount bhi badal rahi hai. Do requirements to prepare accounting entries for the year 30 June 2016 and work on the carrying value of plant and decommissioning liability as of karwain Violet Power Limited. Accounting entries for the year ended. नया कुछ भी नहीं शायद। कोशिश करें जरा लगाए तो 10-15 मिनट लगवाए पीडम होगा। तो डेट बोलना पहले डबल एंट्री से प्लांट डेबिट कैश और बैंक क्रेडिट 6570। वाली लाइन पढ़े इसमें क्या क्या है क्या होना चाहिए बाकी सब कुछ जो होना चाहिए वो तो है लेकिन क्या रहता है। अमाउंट निकलवा लें पहले। इनिशियल एस्टीमेट क्या था 780। उस वक्त डिस्काउंट रेट क्या था 1+0.08 माइनस ढूंढ के कहीं बोला नहीं माइनस एन बताएं कितना कहाँ है
ऊपर कहाँ सर, ऊपर कहाँ, -20 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का कोई एग्रीमेंट है और लाइफ भी एसेट की उतनी ही, तकरीबन मेजर पार्ट कवर कर रही है। आंसर आया 167.35, ये हुई ना बात। डबल एंट्री हो जाए, प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी, नेक्स्ट डेट बोलेंगे 30 जून 16। क्यों रुके यहाँ, ये कर दिया। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, हाउ 6570 प्लस 167.35 रेजिडुअल वैल्यू गिवन है सर -320 डिवाइडेड बाय लाइफ लोन 20 में सूस हो रही है पूरे साल की। Yes, उसी क्या वजह, स्टार्ट ऑफ द ईयर से अगेन 320.87। एस्टीमेट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन पहले पूरा साल गुजरा है, पहले पूरा साल गुजरा है, अनवाइंडिंग होगी, कैरिंग अमाउंट आएगी, फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट से कंपेयर होगी। क्या हाल है, कल कैसे कंपेयर किया था, एक नजर देखा रजिस्टर में, जिस डेट पे एस्टीमेट चेंज हो रहा पहले उस डेट की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट जनवरी था शायद, अब 30 जून अगर, तो पहले ये बैलेंस आना चाहिए हमारे पास कि इस वक्त प्रोविजन है कितनी, फिर कंपेयर करेंगे कि प्रोविजन होनी कितनी चाहिए। ऐसी बिल्कुल सही है जी, अनवाइंडिंग कर, अनवाइंडिंग का क्या तरीका फाइनल हुआ था, नहीं मतलब बोलने क्या फाइनल हुआ, नहीं फाइनल क्या किया हमने, फाइनल किया हमने बोलने फिगर बोल प्रेजेंट वैल्यू इनटू 8% ठीक है, ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग निकाल के डिफरेंस आ सकता है 13.39। फाइनेंस कॉस्ट है प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग करेक्ट। एनी कंफ्यूज है यानी स्टूडेंट्स, अब क्या रहेगा, एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं डी कमीशनिंग कॉस्ट पे, सेम डेट है, दो लाइनें छोड़ दो, प्रोविजन एज ऑन कितनी है फिलहाल, प्रोविजन एज पर बुक्स
अब डेफिनेटली एज बना जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल उससे प्लस माइनस किया जा सकता है। प्रोविजन एज पर बुक्स कैसे करें? 167.35 एंट्रीज देखते हैं, प्लस होना भी है 13,000, 13.39, 180.74। ये सेकंड एंट्री बट अभी सेकंड एंट्री में 320 रेजिडुअल वैल्यू, 320 है रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ है 20 इयर्स बस पर आएगा। ये आप कंपेयर करें, इसके प्रोविजन शुड बी कैलकुलेट करें, ये ठीक है प्लीज 320 और 20 नहीं आप करें अपने बल पर। और बेटा 20 इयर्स लाइफ है एंड 20 इयर्स के बाद करेंगे सर, ये वर्किंग करें आप लोग, मैंने कब रोका है, ठीक है प्लीज माइनस 20 करें कैसे? प्रोविजन शुड बी फ्यूचर एस्टिमेट लेंगे 1021, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, रेट कितना हो गया 0.06, माइनस भी बदल गया, नहीं बदला नहीं है सर जी ना करें, फ्यूचर अमाउंट बदली है, फ्यूचर रेट बदला है, क्या एन भी बदल गया है? एन नहीं बदला, हाँ लेकिन वो रहे 19 गया, एन बदला नहीं है, रिमेनिंग रह गया 19, क्यों लिखा एक टोटल कितना, टोटल चेंज हो गया, टोटल 20 ही एक साल गुजर गया, तो क्या एन बदल नहीं सकता? तो ये एन वाला एस्टिमेट बदल सकता है, रेट भी अमाउंट भी, जो जो चेंज होगा अकॉर्डिंगली आपने कर लेना, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आप अज्यूम करेंगे कि वैसे है, जिस तरह कल मेरा ख्याल सिर्फ अमाउंट बदली थी, रेट हमने सेम लिया था, आंसर बताइए 337.45 डिफरेंस है, इंक्रीज है डिक्रीज है, कितना 156.71 इंक्रीज इन प्रोविजन, लेकिन कौन सी प्रोविजन ड्यू टू एस्टिमेट चेंज, कौन सी प्रोविजन? डीकमिशनिंग की अगर प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो फिर इसने कैपिटलाइज होना, प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से 156.71। कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट करें, इसकी तो वही है लेकिन दूसरी की दोनों क्या रहा, एग्जामिनर का मांग रहा, कैरिंग अमाउंट प्लांट के एज ऑन बी रिक्वायरमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट है जी, प्लांट की कॉस्ट थी देख लीजिएगा सारी 6570, फिर उसमें प्लस हुआ 167.35, माइनस क्या हुआ 820.87 एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, और फिर दोबारा ऐड हुआ 156.71। तो एसेट अकाउंट जहन में रखें, ये माइनस क्या हुआ जी, प्राइस भी माइनस नहीं की, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरिंग अमाउंट, ये कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन हुआ बस,
ठीक है। लाइबिलिटी डिकमिशनिंग लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू की सॉरी करिंग अमाउंट प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग ठीक है, ये तो एज इट इज ही आएगी, इसको भी प्लस माइनस करके देखना, तो देखना तो एंट्रीज हुई नहीं पर, लेकिन वो शायद पहले कर लिया हुआ यही तो किया एज ऑन ही तो ये था, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? दिखाएंगे तो हो गया बंद। सुनिए चेंज हो गए स्पेस वगैरह देख लें यार, ये हाँ वही ना चेक कर लेते हैं कर ले सही तरह, नहीं वो डिलीट करके सही हो रहा है, नहीं वो तो ठीक है, एक मिनट रखना कर लेंगे दफा ऐसी बात में, इसके बैक साइड पर मिलकर वो वेरियंस वाला भी करके दिखा करो, जो वेरियंस वाला सवाल है दोनों कर देता फाइनल भी है टाइम। जी सर जी कम्प्लीट है सर, चले क्वेश्चन नंबर टू पढ़ें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज, तो फिगर्स नोट तो नहीं कर रहा, ये पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर टू पढ़ने शुरू करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई नोट तो नहीं कर रहा प्लीज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रावो लिमिटेड for the year ended 30th September 13 are under finalization and the following matters are under consideration. Then sir, ab ek serious sawal, BL's plant was commissioned and became operational on 1st April 8 at a cost of rupees 130 million. At the time of commissioning means commencement sort of, its useful life and present value of decommissioning liability was 20 years and 19 million respectively. BL's discount rate is 10%. There has been no change in the above estimates till 30th September 13. Except for the decommissioning liability, whose present value as at 1st April 13 was estimated at rupees 25 million. It is the policy of the company once again to be cost modeling. General entries हमने करनी है for the year ended 30th June 13 की. ये year start कब होगा? 1st October 12. 30th September 13 estimate change हुआ है हमारे साल के mid में, हिम्मत करनी पड़नी थोड़ी, तो एक तो entries हैं, secondly compute the related amounts add as they would appear in the statement of financial position and comprehensive income of Bravo Limited for the year ended 30th September 13 in accordance with IFRS, comparative figures अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनाने, तो क्या ये बी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या एक्सट्रैक्ट है? जनरल एंट्रीज की साल की करनी है, शुरू करें। जी सर
ब्रावो लिमिटेड जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड September 30th. बताइए जी पहला काम किस डेट पे रुके क्या सोचा है? सबसे पहला काम किस डेट पे क्या करें? जी सर जी सवाल आपकी तरफ चला गया मतलब किस डेट पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट अप्रैल तक पहले हमें रुक के WDBs तक आना पड़ना ताकि पता चले कि कोई प्रोविजन में चेंज है या नहीं. अगर प्रोविजन में चेंज आ गया तो व्हाट इज द डबल एंट्री प्लान डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट. लेकिन अगर प्रोविजन कम हो गई तो हमारी कैरिंग अमाउंट बदल जाएगी और आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट फिर रिमेनिंग लाइफ लेनी है. समझेंगे कुछ तो मिड ऑफ द ईयर है पहले फर्स्ट अप्रैल 13 पर रुक के पहले 6 महीनों की गेम शायद खत्म करनी पड़नी है बिफोर चेंज इन एस्टिमेट. कौन से 6 महीनों की बात कर रहा हूँ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की डेप्रिसिएशन की वर्किंग स्टार्ट होने लगी है. करवाएं करें करें हिम्मत करें हिम्मत करें डाटा ऐसा आ रही है दोनों फिगर्स 130 प्लस 19 मत डरें 19 की प्रेजेंट वैल्यू लें. ये पहली प्रेजेंट वैल्यू बताई गई उसे डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 यस का नाम ये नाइन बाय 12 बाय 12 ये जो लाइफ थी 20,000 ये तो 2008 में थी. क्या डेप्रिसिएशन वैसे चार्ज होती जाएगी सर कब तक? एस्टिमेट ना बदल रहे तो 6 months है. क्या पिछले सारे सालों की चार्ज करनी है? इस साल में चार्ज तो नहीं ना करनी सारी पिछले सालों की है. पिछले इस साल में पिछले सारे सालों की चार्ज करी जानी इस साल में सिर्फ कौन से 6 महीनों की? पहले 6 महीनों के बाद में देखेंगे दूसरे 6 महीने. यकीनन कौन कौन से सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी हिम्मत मारे जरा ईयर एंड से बोले सारे 5,000 साल में से बताएं कौन कौन से. 9 बल्कि 9 हाफ है यार तो हाफ बनता है पहला भी ध्यान रखें गेम ऑन फर्स्ट अप्रैल 8 हाफ ज्यादा बनता है शायद 8 हाफ पहले बनेगा 30 सितंबर हाफ 8 30 सितंबर 8 6 महीने वो थे 9 10 11 12 साढ़े 4 साल गुजर गए पहले हमारे वाले साल से पहले और यहाँ तक 5 हो गए 4.5 ईयर्स ऑलरेडी गुजर चुके थे हमने बस अपने वाले साल के 6 महीनों के डेप्रिसिएशन चार्ज किए. काउंट करें सर ऐसा ना करें एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर. तो पिछले सालों में भी ऐसे ही हुआ होगा हर साल ऐसे ही होता रहा होगा. आंसर बताइए जानते यार अब कुछ राउंड ऑफ कर लो खुदा के लिए. डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3.73 भाई अप्रिशिएट योर जज्बात. ये नहीं हो सकता यकीनन दुनिया में ये नहीं हो सकता. क्लास में हो जाता एग्जाम हॉल में हो जाता घर में प्रैक्टिस करते हुए जाता और बस इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता.
डन है प्लीज हिम्मत मारे नेक्स्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस साल के 6 महीनों का अनवाइंडिंग इफेक्ट लेंगे, साथ साथ चलेंगे यार। अब ये सर ये पहले सोच रहे हैं सर, अब इस तरह ना करें यार, हर चीज को ऐसे आप सुने। अच्छा अब ये होगा, अब 6/12 होगा। लेजर की जरूरत नहीं, बड़े हो गए शायद आप, हमें पता है कि लेजर में क्या होना है तो बना सकते हैं, लेकिन शायद वैसे ही पता हमें। लेकिन पहले ये डिसाइड करना है दोबारा इस डेट पे रुकने की वजह क्या है। इस साल के 6 महीनों की अनवाइंडिंग होनी है ताकि पता चले पहले क्लोजिंग प्रोविजन है कितनी और फिर उसको कंपेयर कर सके रिवाइज प्रोविजन कितनी है। ठीक है, तो अनवाइंडिंग होने लगी है। अब अंदर अनवाइंडिंग करें, 19 लिखे और रेट ढूंढना। सर प्रेजेंट वैल्यू है यार, 19 × 10% × 6/12 कहानी खत्म करें। अब प्रेजेंट वैल्यू से रेट लगाना है, क्या हो गया, क्या मसला है, क्या मसला है, क्या मसला है? अब जरा कल वाला एक मिनट लेजर निकाल दो, कल वाला लेजर जो कल बना दो। अब हमें पहले 1 अक्टूबर 2012 पे पहुंचना है, 1 अक्टूबर 2012 तक पहुंचना है। कैसे पहुंच रहे थे, 3 लाख से वो ढूंढा लेजर कल बुलाया था, बल्कि पहला वाला देख लो उसमें बोला एस्टीमेट चेंज नहीं था, पहले वो बोला फाइनल कर लो। 3 लाख कैलकुलेटर पर लिखे × 1.1 एक मिनट करेंगे, 330 आ गए, फिर × 1.1 करो, क्लोजिंग आते जा रही है, फिर क्या करें, तो ये क्लोजिंग आते जा रहे हैं। और अगर किसी साल की अनवाइंडिंग निकालनी हो तो फिर 1.1 नहीं करेंगे, फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन जरा 3 लाख को 2 × 1.1 करें, 2 × 1.1 से किस डेट की फिक्र आ जाएगी, डेट बोले जरा, डेट 31 दिसंबर 2 की फिक्र आ जाएगी। अब इसको × 10% करें। अब × 10% करने से क्या हुआ, तो × 1.1 करने से मतलब टाइम सेविंग इसमें हो सकता है कि हम पहले क्लोजिंग निकाल सकते हैं और फिर फॉर द ईयर निकाल सकते हैं। तो पिछले काफी सारे साल हैं, तो उन सालों से अब हमने कहां तक पहले आना है, कहां तक पहले आना है, फर्स्ट अक्टूबर 12 तक आना है, फिर इन 6 मंथ्स की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की फिगर। तो आए जरा कोशिश कर रहे, 19 लिखे, ये पहले कर लेना कैलकुलेटर पर, लगन छोड़ दो वो लिखना, तो 1 मिनट का काम है। 19 लिखे, अब ये 19 की गेम शुरू करें, कहां से शुरू हुई, 1 अप्रैल 8 × 1.1 नहीं करना चाहिए, वो फिर पूरा साल हो जाएगा। 6 महीने पहले यहां हजम करें, पहले वो जरूरी नहीं, बारह नहीं करना, इसमें कर लेता पहला वाला, इसमें कर लेता 19 × 10%, ये बना 1.9, बल्कि × 6/12 ठीक है। ये जो भी फिगर आएगी, एक मिनट निकालना जरा फिगर, 0.95, ये क्या है, ये अनवाइंडिंग आई है 2008 की 30 सितंबर 2008। अब उस वक्त क्लोजिंग बैलेंस पे कितना हुआ, 19.95। अब ये किस दिन का बैलेंस आ गया, 8 का क्लोजिंग आ गया। अब यहां से भी गेम खिला सकते हैं, × 1.1 करें, एक मिनट एक दफा, नहीं नहीं फिगर अब सॉल्व चाहे ना करें, × 1.1 से क्या आया, 9 का क्लोजिंग, × 1.1 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का करें, कितनी दफा करेंगे × 1.1, ये तो 4.5 दफा होना चाहिए था, 6 महीने का पहले कर दिया। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, × 1.1 × 1.1 × 1.1 × 1.1 कहां से आ रहा है, 10% 110% हो रहा है, मैथमेटिकली 1.1 रह गया। जी फ्यूचर वैल्यू वाला भी लगा सकते हैं, कंपाउंडिंग माइनस के बगैर कर लेते हैं, रिवर्स आ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल सबसे अब इजी ये है, प्रेजेंट वैल्यू को आगे बढ़ाते रहे, तो जितना देर उसे लगना माइनस लिखते हुए
उतना ही मेरा इसका लगेगा। एक मिनट, यहाँ तक आंसर बताइए। 29.21 का मीनिंग बताएं। प्रोविजन एज ऑन 1 अक्टूबर 2012 और बात खत्म। और अब हमारी बात शुरू। इनटू 1.1 इनटू 10% बट मल्टीप्लाइड बाय कौन से 6 अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर 12 से लेकर मार्च 13 तक। ठीक है, ऐसे बताइए जैसे बिगड़ी मसला। कैलकुलेशन पहले इस वक्त आप प्रेजेंट करें, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में गेम कैलकुलेटर पर चल सकती है। ये हमेशा 1.1 हुआ करेगा। 1.1 क्यों हुआ? 8-10% ऐसे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ फॉलो की बात। असल में हर साल जो रेट है वो पहली प्रेजेंट वैल्यू को नहीं लग रहा, वो जो ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का उस पर भी रेट लग रहा है, जो रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। ये ठीक हो गया यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट रेट नेक्स्ट डेट सेम डेट। तो प्रेजेंट वैल्यू थी 19। एक दफा दोबारा देखने की कंडी, प्रेजेंट वैल्यू थी 19, डेट बोलते हैं कंडी। जस्ट एक क्विक रिवीजन, 1 अप्रैल 8 पे पहला ईयर एंड था 6 महीने बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईयर एंड इज 30th September, तो फर्स्ट ईयर एंड अगर 30th September 8 और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने गुजरे होंगे, तो 6 महीनों की ये जो 0.95 फिगर है ये 6 मंथ्स की अनवाइंडिंग निकली है, पहले 6 मंथ्स की। और ये भी वैसे कैलकुलेटर भी हो सकता था, लेकिन मैंने वो 1.05 हो जाना था इसमें। एक सेकंड, कैलकुलेटर लिखें 10 into 6/12, तो वो मतलब 1.05 से भी आंसर आ सकता था। एक मिनट करके देखें, 19 into 1.05, ये क्लोजिंग सीधा आ जाना 19.95। yes. लेकिन चले अभी फिलहाल कम से कम 19.95 फिर फाइनली क्या है 8 का क्लोजिंग। फिर आगे हम कहां तक चले? 9, 10, 11, 12, तो 4 दफा 1.1 हुआ क्लोजिंग निकालने के लिए। और फाइनली जो हमारा क्लोजिंग आया 30th September 12 पे, फिर हमने उसको बेस बना के अपने साल के पहले 6 महीनों की अनवाइंडिंग की फिगर फाइनल कर ली। ये ठीक है बेटा? प्लीज कैलकुलेटर में 19 लिखे इंटू 1.05 करें। अब 0.5 कहां से बीच में आ गया? अच्छा, 10 था, आधा बने आप। कैलकुलेटर में मैंने कैसे निकाला? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये साथ वाले भाई निकाल रहे हैं। ये दिखा दे फाइनल कॉपी को। जी सर, वर्किंग करें। अब यहां रुकने की वजह, रुकने की वजह सर एस्टीमेट चेंज हो रहे, तो कैसे क्या क्या कंसीडर करते हैं बाकी देखो ना। मेरी तरफ से सभी सर फाइनल का, यहाँ की तरफ से फाइनल है। ओके जी, इससे कभी इससे फर्स्ट ही करवा रहा हूँ, फर्स्ट साइड ही करवा, दूसरे का फिर देखते हैं। ये इधर है, ये जो माइक का ऑप्शन वाला, इसे कॉपी करवा ली जरा क्लास के स्टार्ट में। ये सर वर्किंग करवाए सर, बल्कि करें जरा इसलिए, आप भी कर मैं भी करता हूँ। जी वैसे ठीक है, हम 4 भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला किसी को याद है यार? बैच साहब की तरफ से एक सजेशन आई है, 19.95 into 1.1 पॉजिटिव 4। ये नेगेटिव 4 से क्या होता है? तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है हमने,
प्रेजेंट से फीचर तो करके देखे (29.21) ठीक है लिखना जरा और करके दो। जी सर जी, 1 अप्रैल पे अब होने लगी है, होने लगा कंपैरिजन बिटवीन प्रोविजन एज ऑन, हिम्मत करें सर थोड़ा स्पीड अप, प्रोविजन एज ऑन एज पर बुक्स, चले जिसमें पहले बोल लेते एज पर बुक्स एंड प्रोविजन शुड बी, होनी चाहिए प्रोविजन एज पर बुक्स। ये करें जी वर्किंग अप, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। द फिगर गिवन है एज पर बुक्स, बताएं जी 29.21 प्लस 1.46 फाइनल है, 29.21 प्लस 1.46 डन है सर। बजा बजा बजा, नहीं फर्दर से मैं 6 महीनों के ऐड हो गया ना, 1 अप्रैल पे आ गया, तो 30.67 शुड बी गिवन है, उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू बताई हुई 25 मिलियन। ये डिक्रीज है 5.66 डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन डबल एंट्री, डीकमिशनिंग की प्रोविजन है इसलिए प्रोविजन डेबिट, प्लांट क्रेडिट बाय रुपीस 5.67। जी ठीक है सर, नेक्स्ट डेट 30th सितंबर 13। हाँ जी, अब कल बात ही हो गई थी तो बात से ही पढ़ लें। आसन साहब दूध जाने दें, गुस्सा यार, और 6-6 महीने का भी गैप है, 6-6 महीने अलग कंसीडर करने पड़ने हैं, 1.05 होगा फिर दोबारा 1.05 होगा, ना करें ऐसे, साथ साथ ये रेंट से बाद अनवाइंडिंग हो रही है। डेप्रिसिएशन ये करें जरा एक मिनट सॉल्व, मेरा ख्याल है कि नहीं कर ले, वाले कर ले जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डेप्रिसिएशन की फिगर बतानी है। क्या ढूंढना पड़ना पहले, रिमेनिंग लाइफ भी ठीक है, टोटल लाइफ पता,
ये तो मैं 2 मिनट और रुक गया, मुझे लगता है डेप्रिसिएशन की सारी फिगर्स ही डिफरेंट है। मेरा फटाफट लिख दूंगा, जानते ही है। एसेट की WDV चाहिए, 149 पे एसेट आ गया था, 130 प्लस 19, 149 पे एसेट आ गया था, माइनस 149 डिवाइड बाय 20 इंटू 5 साल गुजर चुके हैं, तो यहां तक WDV बनेगी 106, सॉरी यहां तक बनेगी 111.75। पहले तो ये देखें 5 कहां से आ गए, साढ़े कभी 4.5 गुजरते हैं, कभी 5 गुजरते हैं, 4.5 ईयर्स कहां तक गुजरे थे साल के शुरू तक, मेरा एस्टीमेट चेंज हुआ तो रिमेनिंग और 6 मंथ्स गुजर गए, तो डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे पूरे 5 साल हो गए हैं। डन है प्लीज, यहां तक ठीक है? नहीं सर जी, माइनस 5.67 भी तो होना है, जो एडजस्टमेंट अभी की है। कल वाली वर्किंग देखें, कल प्लस 220 नहीं किया, तो इस एंट्री से भी तो फैक्ट हो रहा है, माइनस 5.67। डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कहां से आ गया, रिमेनिंग 6 मंथ्स अप्रैल से सितंबर। इतनी जादुई फिगर कैसे आई है, 4.65, 4.56, 7.07, 3.447, आपकी भी आई होंगी, अब ने पर्दा रख लिया। नहीं मतलब कैसे आई है इसने, मतलब क्या मिस्टेक की है? नहीं 5.67 भूल गए, चले वो तो ठीक है, तो उसके अलावा 111.75 तक आना चाहिए था। क्या आपकी डबल एंट्री से एसेट में चेंज आया? तो प्रवीण की इस चेंज की वजह से एसेट में भी तो चेंज आया, तो अब जो एसेट रह गया है वो फ्यूचर में डेप्रिशिएट करें, जो एसेट था अब जो रह गई है रिमेनिंग फिगर वो फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगी, उसकी वजह से एसेट भी तो बदला है। क्या प्रोविजन के साथ साथ एसेट में भी चेंज आया है? इस एस्टीमेट के बदलने से एसेट भी तो बदला, ठीक? क्या एसेट की कैरिंग अमाउंट रिवाइज नहीं हुई? तो फिर अब जो रिवाइज अब जो रिमेनिंग रह गई है वो फिर डेप्रिशिएट होगी। जी सर, व्हाट इज अमाउंट सर? 3.54 ही डेप्रिसिएशन डेबिट, इसके मल्टीप्लाइड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3.54। बार में फाइनली आपको कंफ्यूजन तो नहीं लगी? एक काम रहता सर, माइंड अप कर दीजिए, अनवाइंडिंग फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 1.25 प्रोविजन क्रेडिट, कैसे सोचे वर्किंग करें, करने देखने सर, जब लाइसेंस फाइनल है बड़ा यहाँ तक, ऑनलाइन फ्रेंड्स प्लीज फाइनल है यहाँ तक, ना करें सर जी, कोई नए तरीके ना फाइनल करें, मौसा साहब जाने दें, गुस्सा पुरानी डेप्रिसिएशन ठीक है वो तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब वैसे ही आ रहा है तो फिर वैसे क्यों जरूरत है, वैसे भी आ रहा है तो ऐसे भी तो आ रहा है, तो WDV इज बेटर डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आप क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से लूँ, 25 क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ही है ऑन 1st अप्रैल, इसी ने आगे बढ़ना, क्या कोई रेट का भी एस्टीमेट बदला है?
इनटू 1.1 करोड़ इनटू 10% सर, नहीं इनटू 1.1 इनटू 6/12 नहीं होना, वो क्लोजिंग बैलेंस के आधा हिस्सा नहीं करना यार, इनटू 10% और इनटू 6/12 ये इनटू 6% 10% से आना क्या था पूरा, तो 1.1 से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और 1/1 क्लोजिंग बैलेंस को 6/12 करने का मतलब क्लोजिंग बैलेंस आधा कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस पे क्या इतराज है, तो इनटू 10% से क्या आया फॉर द ईयर लेकिन इनटू 6/12 1.25 ये एनी अदर कंफ्यूजन, अब इसके एक्सेक्स रहते हैं यार, स्पीड अप मोड ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर नोट कर चुका, ब्रेवो लिमिटेड से स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना पहले ट्राई समझ में क्या बनाना था, चले जी फाइनेंशियल पेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पेज एज ऑन 13 विद कंपैरेटिव नहीं बना सकते, मंगा मांगे नहीं सर, रुपीज इन मिलियंस, हमारे पास रुपीज इन मिलियंस ये कर दें, जरा स्पीड अप होकर रेफर कर दो क्या क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स प्लांट की फाइनल कैरिंग अमाउंट गेम में हल फिर होना है, लेकिन इतना इशू भी नहीं है, करें जरा बाइंड अप करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हेल्प करें जी, क्या क्या फिक्र आ रही है, वैसे कहीं कहीं आपने फिगर सॉल्व करवा दी हुई है, अगर वहीं से हेल्प ले लें, ये जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाई है ना अपने 30 सितंबर में, इसमें शायद काफी कुछ आ गया, 106.09 तक तो आ ही गए थे, फर्दर फिर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन है, मैं जरा पूरा लिखना चाह रहा हूं, एसेट शुरू हुआ था 130 चले पूरे लिख लेते हैं 149 से शुरू हुआ था 149 में से फिर माइनस हुआ 149 डिवाइड बाय 20 इनटू 5 करके आप आए थे 111.75 से, फिर माइनस हुआ था 5.667 और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, फिर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है 3.54 ये बड़ा माइनस होना, मेरा ख्याल है प्लस कर दिया आपने, ये देख लेनी कैंडिया फिगर्स, बाकी डेफिनेटली मेरा ख्याल हम 1.106.09 तक आ गए थे, डन है सर, आंसर फाइनल 102.55 चले बहुत खैर है।
इतना तो चलना चाहिए, आपको भी दिल लगा रहेगा। और कुछ सर? नॉन करंट लाइबिलिटीज में शायद प्रवीण, वाई नॉन करंट लाइबिलिटी? अभी भी 15 साल रहते हैं मेरा ख्याल, तकरीबन 15 तकरीबन, हाँ 15 रहेगा, नहीं साहब अब 14.5 रहेगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज कल आपने लियो किया सर, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज में फिक्र आई है सर, हाँ लियो ना करें सर, ये ना कीजिएगा एक एक से ज्यादा सवाल मैंने नहीं देना, लेकिन ये जरूरी है, ये डेली बेसिस पे एक आध कम्प्रीहेंसिव सवाल आ रहा है आपकी तरफ, आ जाएगा कोई? कौन से वॉल्यूम में? प्रवीण का क्लोजिंग बता देता, ये भी फिगर हम रिवाइज कर चुके हैं, 25 तक हम आ गए थे, 25 तक हम आ गए थे और उसमें 1.25 ऐड हो गए, मौसम जाने दे गुस्सा क्या करी जा रहा है, 29.21 पे हम ऑलरेडी आ गए थे, आप ओरिजिनल लाइबिलिटीज में से मुझे लगता माइनस कर रहे, 25 पे हम आ गए एंट्री करके 5.67 वाली, 1.5 कहां से आया, 26.25 नॉन करंट लाइबिलिटीज में बढ़ाया जाएगा, अभी 14.5 इयर्स रहते हैं इसके सेटलमेंट में, और कोई इसका ये इस तरह भी नहीं होना इसने कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कोई पेमेंट है एक ही दफा, एनी अदर थिंग इन द स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंस कॉस्ट भी तो आनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, अभी फॉर द ईयर एंड बना रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा, 30th September 2018 फॉर द ईयर के फिगर्स आएंगे, एक्सट्रैक्ट एंट्रीज देखनी है आपने, डेप्रीसिएशन 6 महीनों की ज्यादा हुई हुई है, 3.73 प्लस 7.27 फाइनेंस कॉस्ट 1.46 प्लस 1.25 2.71 पेज नंबर 76 पे आ जाए वापस, ये ऑनलाइन स्टोर से बड़ा नोट कर ली, पेज नंबर 76 एक नजर रिवाइज करना यार, कहां से बात हुई थी और कहां निकल गई, पेज नंबर 76 एक नजर रिवाइज करना, क्या प्रोविजन सिर्फ डिसमेंडलिंग की बनती है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े को नोट तो नहीं कर रहा,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई नोट तो नहीं कर रहा है? आप लोगों ने लिख लिया सबने? कोई नोट करने वाले की पोजीशन में तो नहीं? ये सर जरा कंडीफ्यूज पेज जरा इतना जरा वाइस करने में से आगे चल रहा है और वीएन की डेफिनेशन सुना दो प्रवीण का भी कॉग्नाइज होती है तीनों कंडीशंस मीट होना जरूरी है. नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज 78 फ्यूचर इवेंट्स कंसीडर करते हैं प्रवीण बनाते हो तब अगर सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव evidence of that they will occur to praveen ki measurement karte hue future events bhi consider kiye jate hain gain on disposal of assets ko consider karte hain praveen banate nahi karte jab asset bechenge tab kare then sir ye page number 79 ye kindly zara ek dafa apne dobara aaj padhna praveen for decommissioning theek hai this are leo me nahi padha इधर फिर पढ़े इसमें अनवाइंडिंग और इसमें सारी जो चीजें तो पेज नंबर 79 जरा रीडिंग के हवाले से होमवर्क करते हैं और अपने सामने इधर इस वक्त पेज नंबर 82 रखें. इसके साथ दरमियान में आ जाऊंगा एक तो लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन इसको भी रहने दे इसके लिए हमें कुछ दिन और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. पब्लिकेशंस कैन बी वाली लाइन पे डेफिनेटली ऑब्लिगेशंस की दो टाइप्स हैं एक लीगल है कंस्ट्रक्टिव है लेकिन यहाँ डिस्कशन किसी एक और एंगल से हुई हुई है. ऑब्लिगेशन अगर प्रेजेंट हो जाए उधर पेन रखने आपने तीन कॉलम बने हुए ऑब्लिगेशन कैन बी एक लिखा हुआ है उसके नीचे लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और अब इसके नीचे रहेगा अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाए तो प्रवीण रिकॉग्नाइज कर तीन कंडीशन है नंबर एक Present obligation, probable outflow of resources, and reliable esteem made. Present obligation हो जाए, बाकी conditions meet हो जाए, तो provision की double entry करने entry बता दो. By default मेरा ख्याल ठीक है, provision credit expense unless dismantling है. नहीं? Second column में है. अगर present obligation हो जाए लेकिन सपोज रिलायबल एस्टीमेट नहीं बन सका. अच्छा समझने के लिए जरा एक एग्जांपल रखने से मैं दोबारा जरा लेफ्ट साइड पर पहले कॉलम में सपोज कोर्ट में केस चल रहा आपने अपने लीगल एडवाइजर से पूछा कि क्या लग रहा है कोर्ट में केस किस तरफ जा रहा है उसने कहा कि कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट लग रहा है कि हो जाएगा. आपने पूछा कितने पैसे देने पड़ सकते हैं उसने कहा तकरीबन 1.5 मिलियन शायद देना पड़ेगा. आपने कहा कि ये एक रिलायबल अमाउंट है उसने कहा लग ही रहा है. आप क्या करेंगे आप प्रवीण रिकॉर्ड कर रिलायबल अगर उसने कहा कि लग रहा है अब रिलायबल डजंट मीन्स कि फाइनल हो गए. आपने उससे पता पूछा मैंने उसने कहा 1.5 आपने दोबारा पूछा मैंने दोबारा पूछा था फिर बढ़ा लेंगे तो चाय चाय पिला देंगे पक्की बात है लेकिन जितना मर्जी वो पक्का कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे एस्टीमेट है जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा. लेकिन एक ये भी हो सकता है ना कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ हो सकता है कि 1 मिलियन हो जाए हो सकता है 50 मिलियन हो जाए. अब अगर इस तरह की फिगर्स बोल रहा है तो ये भी कोई रिलायबल नहीं अब 1 मिलियन कहाँ 50 मिलियन कहाँ. लेकिन अगर कोई रीजनेबल एस्टीमेट तक पहुँचा जा सकता है अप्रॉक्सीमेट अगर हमारा लीगल एडवाइजर कॉन्फिडेंट होगा एक एस्टीमेट में
तो वो भी रिलायबल अमाउंट है, और अगर वो नहीं पहुंच सकेगा तो सेकंड में आ जाएगा। प्रोजेक्ट प्रेजेंट एप्लीकेशन है, कोर्ट में केस है, उसने कहा अगेंस्ट होना है, लेकिन अभी अमाउंट हमें रिलायबली नहीं पता। अगर अमाउंट नहीं पता तो तीनों कंडीशंस में से कंडीशन रह गई है, तो अब डबल एंट्री का तो सवाल नहीं है। इसके नीचे आने सेकंड में, सेकंड एरो बना हुआ, रिलायबल एस्टिमेट ही बन सका, प्रोविजन नहीं होगी। इंस्टेड क्या होगा, डबल एंट्री अब खत्म होगी, अब क्या होगा, इंस्टेड डिस्क्लोज करेंगे इस ऑब्लिगेशन को नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंडर द हेडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या बनेगा, सिंपल मीनिंग, एक ऐसी लाइबिलिटी जो अभी फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है, फाइनल नहीं। तो मतलब इस बात का ये, अगर तो क्राइटेरिया मीट हो जाए तो फिर आप डबल एंट्री कर लेंगे, एक्सपेंस से एसेट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन अगर क्राइटेरिया सारा मीट नहीं हो सका तो आप फिर क्या करेंगे, डबल एंट्री नहीं करेंगे, आप नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा जहन में लग रहा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं हो रही, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात नहीं हो रही, कैश फ्लो की बात नहीं हो रही, चेंजेस इन इक्विटी की बात नहीं हो रही, कहां निकल गए हम, नोट्स में चले गए, एक पैराग्राफ हम बनाएंगे जिसमें इंग्लिश में अभी एक्सप्लेन करेंगे, और उस पैराग्राफ की हेडिंग लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अगर एक प्रोविजन, सॉरी, अगर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन उसका क्राइटेरिया मीट नहीं हो सका सारा, तो डबल एंट्री की बजाय नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंडर द हेडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी हम ये जो सब सारा जो इवेंट है इसको इंग्लिश में शेयर होल्डर्स के लिए एक्सप्लेन कर देंगे। मसलन देयर इज अ कोर्ट केस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड बाय अस टू द कस्टमर, द कोर्ट केस इज स्टिल पेंडिंग, एज द रिलायबल एस्टिमेट इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर प्रोविजन हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, इन द ओपिनियन ऑफ आवर लीगल एडवाइजर देयर मे बी अ चांस ऑफ पेइंग 1 million और इट मे इंक्रीज अप टू 5 million 10 million। अब ये रिलायबल अमाउंट्स नहीं है, लेकिन अगर कोई रेंज हमें पता है तो शेयर होल्डर्स को बता दें। तो रादर देन डबल एंट्री कैसे बताएंगे, नोट्स में जाएंगे और ये जो सारा इवेंट है इस सारे इवेंट को शेयर होल्डर्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं। किस जगह जाकर बनाएंगे, नोट्स में किस जगह बनाएंगे, एक कंटिन्यू लाइबिलिटी की हेडिंग बनाएंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हम बनाएं, इस केस में पूर्वी अब आपको कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ आपको नोट्स में डिस्क्लोज नजर आ रहा है। तो अगर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और बाकी भी रेलिवेंट चीजें क्राइटेरिया की मीट हो जाए तो आप डबल एंट्री कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन सपोज किसी वजह से रिलायबल एस्टिमेट तक नहीं पहुंच सके तो रादर देन अ डबल एंट्री आप सिर्फ डिस्क्लोज कर। बात क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सर? अब आने दे लास्ट कॉलम में, इफ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अब वर्ड ही बदल गया, दोबारा जाए पेज 76 पे, प्रोविजन अगर रिकॉर्ड होनी है तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो फिर तो प्रोविजन की बहस ही खत्म हो गई। अब आए इनको जरा ट्रांसलेट थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, पॉसिबल हो सकती है, कोर्ट में केस चल रहा है, किसी सब कस्टमर ने कोर्ट में केस किया, आपने लीगल एडवाइजर से पूछा क्या लाज चल रहा है, मैंने कहा हो सकता है हमारे हक में हो जाए, हो सकता है हमारे अगेंस्ट हो जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी शायद जरूर रहेगी कि हमारे अगेंस्ट हो सकता है। प्रेजेंट मींस फिर क्या होगा, कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट ही होना है, यहां तक हम पहुंच गए हैं, कितना पे करना पड़ना है इसमें अगर नहीं पता या पता है तो देन डिस्क्लोजर है, एंट्री है। लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कोर्ट में केस चल रहा है, शायद हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो इस केस में डबल एंट्री करके तो शेयर होल्डर्स को डराने की बात ही नहीं है। लेकिन क्या इस केस में कोई उन्हें डिस्क्लोजर देना चाहिए, वो भी तभी देना चाहिए, स्टैंडर्ड ये कहता है कि तभी देना चाहिए अगर कोई चांस हो अल्टीमेटली पैसे जाने का। अगर कोई बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि पॉसिबिलिटी है और फिर पता नहीं पैसे जाएंगे ना जी जाएंगे, तो अकेले दुआएं करते रहे ऐसे शेयर होल्डर्स को तंग ना करें। लेकिन अगर कोई रीजनेबल चांस है कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली पेमेंट तक जा सकती है तो देन फिर उन्हें अपनी दुआ में शामिल कर लें, डिस्क्लोजर दें। तो लास्ट कॉलम पढ़ लें,
पहली बात पॉसिबल अगर ऑब्लिगेशन है तो इसका मीनिंग समझ आ गया, एनी ऑब्लिगेशन दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, हो सकती है अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो उस केस में किसकी बहस खत्म, किसकी बहस खत्म, वो क्यों, उसके तो पहले वर्ड्स ही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, तो प्रोविजन तो नहीं है। अगला सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ना, ओनली डिस्क्लोज द इवेंट अंडर द हेडिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। अगर आप डिस्क्लोजर देंगे तो दोबारा किस हेडिंग में जाकर देंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी का पैराग्राफ। इसका मतलब किन दो सिचुएशंस में बनता है, सेकंड कॉलम देखें, इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट द क्राइटेरिया इज नॉट मेट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट लेकिन बाकी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, और अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन और आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो भी इसी हेडिंग में ही डिस्क्लोजर बनेगा, उसी तरह जिससे मैंने सारी स्टोरी बताई। लेकिन ये जो डिस्क्लोजर बनेगा राइट जो लास्ट वर्ड है इसमें एक अनलेस भी है, ओनली डिस्क्लोज द इवेंट अंडर द हेडिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमोट, मींस बहुत कम चांस है। और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल लिख लें, बाकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अभी। सपोज लेस देन 5% स्टैंडर्ड के वर्ड पर रिमोट है, लेकिन ये अनलेस का मीनिंग क्या है, तब डिस्क्लोजर दें अगर चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट है। ये पढ़ के जरा ट्रांसलेशन करूंगा, only disclose the event under the heading of contingent liability unless agar possibility outflow of resources remote hai to fir kya kare, fir disclosure bhi nahi dena, fir disclosure bhi nahi dena, to disclosure bhi kab dena, bole zara dhoonde bad zara possibility of outflow of resources is not remote, agar remote nahi hai to disclosure dena, aur agar remote chances hai to na entry ki to baat hi nahi hai, disclosure dene ki bhi zarurat nahi hai। एक मिनट के लिए इधर रिवाइज करना, क्या बात हुई है, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रिकॉग्नाइज करना, और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो लेकिन बाकी चीजें रह जाए, कुछ बाकी में से कुछ रह जाए तो फिर डिस्क्लोजर देना है अंडर द हेडिंग कंटिन्यूड लायबिलिटीज, और अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो देयर इज नो डबल एंट्री, ओनली डिस्क्लोजर अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमूव। एक सेकंड के लिए पेज नंबर 85 पे पहले ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर होगा, पहले जरा पढ़ लेते हैं कंटिजेंट एसेट पेज नंबर 85 पे। अब कंटिंजेंट एसेट से क्या समझ आया, सिर्फ एक ऐसा एसेट जो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ एसेट से मुराद रिसीवेबल सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल, अब यहाँ कोई प्लांट और मशीनरी नहीं है कंटिंजेंट एसेट, कोई प्लांट हमारा हो सकता है उस एंगल से नहीं, कोई रिसीवेबल एंगल से। इसकी पहले एक जरा डेफिनेशन से पढ़ना, इट इज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम past event and whose existence will be confirmed by the future events not wholly controlled within the entity, possible for decision in our favor। situation ko zara ulat kar le, hame suppose kisi supplier ne defective goods supply ki thi, hum uske against court mein pahunch gaye, kya aise to nahi ho raha ki hame koi supplier defective goods डिलीवर करेगा, हम कोर्ट में चले जाएंगे और पेनल्टी मिल जाएगी। पास्ट इवेंट इसमें भी इंपॉर्टेंट, कम से कम डिफेक्टिव गुड सप्लाई हो चुकी हैं, देयरफॉर हम कोर्ट पहुंच चुके हैं, हम पहुंच जाया करेंगे, इस तरह नहीं फ्यूचर में नहीं। कौन सा इवेंट हो चुका है, किस चीज का, मतलब कोई ना कोई पास्ट इवेंट हो गया उसकी वजह से अब हमें फ्यूचर में कुछ अमाउंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड है, और वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, कोर्ट डिसीजन पे डिपेंडेंट, कोर्ट डिसीजन होना है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी फेवर में होगा, तो इसके रिजल्ट में कोई कंटिंजेंट एसेट बन भी सकता है। तो कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, जरा मेन वर्ड बोलने की, क्या क्या है, पॉसिबल एसेट पास्ट इवेंट की वजह से जो कन्फर्म कब होगा फ्यूचर में, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब कोर्ट में क्या डिसीजन होना है वो डेफिनेटली जजेस और ज्यूरी का काम है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, रब से कह सकते हैं मौला दिलों के हाल बदल दे।
अब आ जाए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या कंटिंजेंट अगर एसेट है तो इसे फॉरन रिकॉर्ड करना, आराम आराम सर इसमें हो जाना चाहना। इससे पहले कि मैं इस बहस में जाऊं, यहां से ऑनवर्ड्स तीन तरह के लफ्ज आपको क्लियर होने चाहिए। एक वर्ड होना चाहिए, एक वर्ड हुआ करेगा प्रोबेबल, पेज नंबर 76 में जाएगा, पेज नंबर 76 के सेकंड क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एक वर्ड है प्रोबेबल। एक जरा इससे पिछले पेज पे, पेज नंबर 82 पे एक पॉसिबल वर्ड आया, प्रोबेबल पॉसिबल, और एक वही रिमोट भी वर्ड आ गया। अब जरा कंसंट्रेशन सुना जरा, अगर लाइबिलिटीज के एंगल से बात हो रही है प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, और डेफिनेटली बाकी क्राइटेरिया भी अंडरस्टूड अगर मीट हो जाए, तो क्या प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस पे लाइबिलिटी के अगेंस्ट प्रोविजन हो जानी चाहिए? अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो डिस्क्लोजर होगा, और अगर रिमोट है तो फिर वो भी नहीं होगा। तो लाइबिलिटीज के एंगल से अगर वर्ड बोले जाए प्रोबेबल, probable outflow of resources, तो इसका meaning sort of इसका हो जाएगा, अगर percentages में समझना चाहें, more than 50, probable, more than likely, तो नहीं कभी लग, stats वगैरह में, more than likely है कि हो जाएगा, possible अगर मैं बोलूँ तो 50-50 या less than 50, और अगर remote है तो बहुत कम, less than 5 जिसका मैंने भी बताया। तो अगर liability के अंदर से probable हो जाए और criteria meet हो जाए तो recording हो जाएगी, possible अगर है तो डिस्क्लेयर हो जाएगा, रिमोट अगर है तो इग्नोर हो जाएगा, तो इग्नोर होता है। लेकिन अगर यही लफ्स बोले जाए एसेट्स के एंगल से, तो एसेट्स के एंगल से और अगर पैसे भी आने हो, फ्यूचर में आने हो, तो हम जरा कंपैरेटिवली जरा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो अगर मैं आपके सामने बर्ड बोलूँ प्रोबेबल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? नहीं, मीनिंग वही होगा, मोर देन 50% चांस, मोर देन लाइकली तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है, पॉसिबल 50-50, और रिमोट की तो शायद इस एंगल से बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक इजाफी वर्ड आ जाएगा वर्चुअली सर्टन, जो शायद उधर नहीं है। लाइबिलिटी वर्चुअली सर्टन होना जरूरी नहीं है, अगर प्रोबेबल होगी है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ जो एक तीन वर्ड्स कौन से बोले मैंने, पहले प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट, और अब एक नया वर्ड मैंने एसेट्स के एंगल से बोला। तो अगर एक एसेट मीन्स रिसीवेबल वर्चुअली सर्टन है, कोर्ट डिसीजन हो गया है, तो फिर शायद वो एसेट कंटिंजेंट नहीं रहेगा, अब हमें रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर एसेट का मिलना, पैसों का मिलना प्रोबेबल है, तो फिर उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। मिलना, अब मैं इनफ्लोज की बात कर रहा हूं, डिस्क्लोजर होना चाहिए कब? अगर प्रोबेबल है, और अगर पॉसिबल या रिमोट है तो फिर उसे इग्नोर होना चाहिए। अब मैंने ये किसके एंगल से बातें की? रिसीवेबल्स के एंगल से। तो रिसीवेबल कब डेबिट होना चाहिए? Virtually certain means confirm है, account का decision हो गया या होने लगा है, बस तकरीबन 100% sure है। Virtually certain हो तो asset फिर contingent ही नहीं रहेगा। Contingent कब तक होगा? जब तक वो future events ना हो जाए। तो अगर court decision हो गया तो शायद आपको future events, बस अगर मिलना formality रह गया। मैं cash basis पे counting अभी भी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा cash मिल जाए, लेकिन अगर cash मिलना एक formality रह गया, decision हो गया है, तो then receivable record हो सकता है when the amount to be received is virtually certain. अगर probable है तो shareholders को disclose करें और अपनी दुआ में उनको भी शामिल कर लें, और अगर possible या remote है तो अकेले दुआ करें, अभी उन्हें तंग ना करें। उनके साथ celebration कब करें? जब virtually certain हो जाए, double entry दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह celebration, ये अल्लाह तआला शुक्र मान। क्या double entry बनेगी इस receiver की? कोर्ट में से देखो, इनकम टाइप चीज बननी है, मतलब ठीक है अगर इनकम, अल्लाह ना करे हमारा बिजनेस यही हो, लोगों पे कोर्ट केस करते हैं, नॉर्मल अदर इनकम टाइप ही होगी। तो मतलब मीन्स से ये रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट वाली एंट्री कब होनी? वर्चुअली सर्टन, डिस्क्लोजर दे के उन्हें अपनी दुआ में, समझ आ रहा, दुआ में शामिल करना, मिलने वाला इंशाल्लाह, मिलने वाला प्रॉब्लम हो गया शुरू करो। और अगर अभी पॉसिबल या रिमोट है तो तन्हाई में रब के साथ आप तो दुआएं करें, लेकिन ऐसे उन्हें अभी शामिल ना करें। बाकी बात इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए क्या जी, आज मेरी तरफ से ज्यादा नहीं है सर, मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं है, मैं नहीं आपको तंग करना चाह रहा एक घंटे से ज्यादा, लेकिन एक घंटे से कम भी अगर आप तंग होंगे तो ज्यादा है। तो फखर में बहुत कुछ आ जाना, रिवीजन के एंगल से भी, और शायद लीज भी आ जाएगी।
कल भी मैंने एक आईएएस 8 का सवाल देना आपको डिसमेंडिंग के साथ, तो आईएएस 8 का थोड़ा सा याद आ जाए कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट होते हैं, तो फिर डिसमेंटिंग का एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ विद आईएएस 8। डन है, अल्लाह हाफिज़।